नमस्कार प्रेस, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ एक जीगो ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी एक जीगो ऐप से ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। दोस्तों, कंप्लीट प्रोसेस आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एक घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक जीगो ऐप से ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से एक जीगो ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों, अभी तक आपने एक जीगो ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप इसको प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आप एक जीगो ऐप को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट है, हम इंग्लिश लैंग्वेज ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, तो आप अभी लॉगिन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप करना है। मैं स्किप कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। परमिशन मांगे तो आपको परमिशन को दे देना है, अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जीगो ऐप का होम पेज ओपन हो चुका है। एक जीगो ऐप से ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है IRCTC ट्रेंस, तो जहाँ पे लिखा हुआ है IRCTC ट्रेंस आपको इसमें ही क्लिक करना है। जिसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। फ्रॉम में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं, और टू में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमें छपरा से गोरखपुर जाना है तो हम फ्रॉम में डालेंगे छपरा। यदि आपको छपरा का शॉर्ट फॉर्म पता है तो आप वो भी डाल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म पता नहीं है तो डायरेक्ट छपरा डालेंगे। तो देख सकते हैं कि आ चुका है सबसे ऊपर CBR छपरा, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहां से जाना चाहते हैं, और आपको टू में सेलेक्ट करना है कि आप कहां पर जाना चाहते हैं। जैसे कि हमें गोरखपुर जाना है तो यहां पर हम डालते हैं गोरखपुर, तो सबसे ऊपर आ चुका है गोरखपुर जंक्शन, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। इसके नीचे डेट सेलेक्ट करना है, इसके लिए आपको कैलेंडर का लोगो जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, और इसमें से आपको डेट सेलेक्ट करना है कि आप कितनी तारीख को सफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि हमें 10 अप्रैल का टिकट बुक करना है तो यहाँ से हम 10 अप्रैल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको नीचे सर्च ट्रेंस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च ट्रेंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उस डेट के लिए, उस रूट के लिए जितना भी ट्रेनें होगी आपके सामने उसका लिस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ट्रेन का नाम, नंबर, ट्रेन का टाइम टेबल, किराया सब कुछ आप यहां पे दे सकते हैं, और जिस ट्रेन में जिस क्लास में सीट अवेलेबल है उसके सामने AVL लिखा हुआ है, और कितना सीट अवेलेबल है वो लिखा हुआ है, और जहां पे लिखा हुआ है WL का मतलब होता है कि वेटिंग, इतना वेटिंग है। और यदि यहां पे लिखा होता है नॉट अवेलेबल तो इसका मतलब है कि सीट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आप किस ट्रेन में, किस क्लास में टिकट बुक करना चाहते हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम सबसे ऊपर वाली ट्रेन में टिकट बुक करना चाहते हैं, जिसका ट्रेन नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं 2S में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2S का अलग किराया है, स्लीपर का अलग किराया है, और यहाँ पे AC का अलग किराया है। तो हम 2S में बुक करना चाहते हैं तो जहाँ पे 2S लिखा हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे और भी डेट आपको मिल जाता है, और भी डेट का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आप जिस डेट में ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं उसके सामने आपको बुक के बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 10 अप्रैल का टिकट बुक करना है तो फिर यहाँ पर हम 10 अप्रैल के सामने बुक के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको सबसे पहले एक जीगो ऐप में लॉगिन होना है। लॉगिन होने का यहाँ पे पेज आएगा। फ्रेंड्स, यदि आप एक जीगो ऐप में पहले से लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने का पेज नहीं आएगा। तो लॉगिन होने के लिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, चाहे तो आप अपना फेसबुक अकाउंट या गूगल अकाउंट से भी लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर को डालते हैं। मोबाइल नंबर को डाल देने के बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने मोबाइल नंबर को पहले एक जीगो ऐप में रजिस्टर किए होंगे तो आपके मोबाइल पर सिर्फ OTP जाएगा, और आपको OTP को डालना है। यदि आपका मोबाइल नंबर पहले से एक जीगो के साथ रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नाम डालना है, इसके बाद आपको अपना लास्ट नाम डालना है, इसके नीचे आपको अपना ईमेल ID को डालना है, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पहले से ही डाला हुआ रहेगा। ये सभी डिटेल फिल कर देने के बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है। OTP ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो आपको इसको मैनुअली फिल कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आपको पैसेंजर का नाम ऐड करना है। सबसे पहले आपको पैसेंजर का नाम डालना है, इसके नीचे पैसेंजर का एज डालना है, इसके नीचे पैसेंजर का जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल,
इसके नीचे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा बर्थ चाहिए। तो यहाँ पे हम नो प्रेफरेंस को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हमें कोई भी सीट मिलेगा तो चलेगा। इसके बाद आपको ऐड ट्रैवलर पे क्लिक करना है, तो आपके साथ कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। दोस्तों यदि आपके साथ में कोई और भी पर्सन है सफ़र करने के लिए, उनका भी आप टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ऐड मोड पे क्लिक करना है और उनका भी डिटेल आपको इसमें ऐड कर देना है। दोस्तों इससे पहले आपको यहाँ पे अपना IRCTC का यूजर आईडी डालना है। दोस्तों अभी तक अपने IRCTC में अकाउंट नहीं बनाया है तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो को बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना IRCTC का यूजर आईडी डाल देते हैं और इसके नीचे यहाँ पे ट्रैवलर में ऑन दिखा रहा है। दोस्तों आप जितने भी पर्सन का यहाँ पे नाम ऐड किए होंगे टिकट बुक करने के लिए उतना यहाँ पे आपको दिखा देगा। यदि और भी आप किसी का नाम ऐड करना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ मिलेगा ऐड मोड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऐड ट्रैवलर पे क्लिक करना है। जिसे आप ऐड ट्रैवलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको उनका भी डिटेल आपको इसमें फिल कर देना है। इसी तरह से आप जितने भी पर्सन का नाम इसमें ऐड करना चाहते हैं आपको इसी तरह से ऐड ट्रैवलर पे क्लिक करके आपको कर देना है। तो आप जितने भी पर्सन का नाम इसमें ऐड करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे उनके नाम के सामने आपको टिक करना है। जितने भी पर्सन का आप टिकट बुक करना चाहते हैं आपको उनके नाम के सामने टिक करना है। यदि किसी पर्सन के नाम के सामने यहाँ पे ऑन टिक होगा तो उनका टिकट बुक नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो पैसेंजर का नाम इस तरह से आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू ट्रैवल इंश्योरेंस, तो दोस्तों आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। आपको इसके सामने वाली बॉक्स को टिक कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे पूछा है डेस्टिनेशन एड्रेस, तो फ्रेंड्स आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ का एड्रेस डालना है। दोस्तों आप सिर्फ पिन कोड यहाँ पे डालिएगा तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेगा। जिससे कि हम अपना एरिया का यहाँ पे पिन कोड डालते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो गया है। कभी कभी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस फिल नहीं होता है या गलत फिल हो जाता है, तब इसको मैनुअली ठीक कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है फ्री कैंसिलेशन, तो यदि आप फ्री कैंसिलेशन लेना चाहते हैं तो आपको इसको टिक करना है। दोस्तों आप इसको टिक कीजिएगा तो आपको ₹25 एक्स्ट्रा पे करना होगा फ्री कैंसिलेशन के लिए। यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको नो के बटन पे क्लिक करना है, यानी कि नो के सामने टिक करना है। दोस्तों फ्री कैंसिलेशन लेने से फ़ायदा ये होता है कि आप इस टिकट को जब कैंसिल कीजिएगा तो आपका जितना टिकट का लगा होगा उतने ही पैसे आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको इसको टिक करना है, नहीं लेना चाहते हैं तो नो के सामने टिक करना है। तो हम फ्री कैंसिलेशन लेना चाहते हैं तो हम इसको टिक करते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन के नीचे आना है, सबसे नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है तो आपको दोनों बॉक्स को टिक कर देना है। यदि ये टिक नहीं है तो टिक करना है, टिक है तो ठीक है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप फ़ोनपे से करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, पेटीएम से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। यदि आप किसी का मैनुअली UPI ID डालना चाहते हैं, उसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो यदि आप UPI ID के थ्रू मैनुअली डालना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको UPI ID डालना है। इसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है, तो आप इस तरह से पे कर सकते हैं। तो हम फ़ोनपे से पेमेंट करना चाहते हैं तो फ़ोनपे पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सेकंड के लिए वेट करना है। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने रीडायरेक्ट फ़ोनपे में हो चुके हैं। हम फ़ोनपे को अनलॉक करते हैं। इसके बाद पे करने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, तो यहाँ पे हम सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सेंड के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना UPI पिन को डालना है। दोस्तों हो सकता है कि आप सबको यहाँ पे ब्लैक दिखाता होगा क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, इसका स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपना UPI पिन को डाल दें, राइट क्लिक पर भी क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग में है, हमें वेट करना है। हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ये आ चुका है, जीगो के पेज पे आ चुका है। इसके बाद हमें कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 30 सेकंड के लिए वेट करना है, ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा। यदि ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज पे नहीं जाता है तो आपको नीचे क्लिक हेयर का बटन दिख रहा है, तो आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे सबसे ऊपर आपका IRCTC का यूजर नेम दिख जाएगा, यूजर आईडी दिख जाएगा और इसके नीचे आपको यहाँ पे अपना IRCTC का पासवर्ड डालना है। दोस्तों IRCTC का पासवर्ड आप भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पे क्लिक करके आप अपना IRCTC का पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे कैप्चा ऑटोमेटिक फिल रहेगा, यहाँ पे आपको सबमिट का बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट का बटन पे क्लिक कीजिएगा
तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कुछ सेकंड क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ट्रेन का टिकट बुक हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PNR नंबर और कौन सा हमारा बर्थ है वो आप सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों अपना टिकट को डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, जहाँ पर लिखा डाउनलोड ई टिकट, आप इस पर क्लिक करके अपना टिकट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप अपने फ़ोन से व्हाट्सअप को भी ओपन कीजिएगा तो एग्जीक्यो की तरफ से आपके व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पे आ चुका है, यहाँ पे PNR नंबर सब कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एग्जीक्यो ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि इस वीडियो के रिलेटेड कोई ज़्यादा प्रॉब्लम या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।